नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, नागिन सीजन 6 की पहले एपिसोड की कहानी क्या होने वाली है। पहले एपिसोड में ऐसे कौन से सबसे बड़े राज का खुलासा होगा जिसे देखकर आप सभी दर्शकों को लगेगा सबसे बड़ा झटका। क्या होने वाली है कहानी और साथ ही साथ किस किरदार से नागिन सीजन 6 की शुरुआत होगी। आखिर क्या रिश्ता होगा सर्वश्रेष्ठ शेष वंश की नागिन और ऋषभ के बीच में। शाहिर शेख का किरदार का क्या होगा और साथ ही साथ किस किरदार में नजर आने वाले हैं टीवी एक्टर मनीष जोरा। ये सारी की सारी बातें पूरे विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि नागिन सीजन 6 की कहानी की शुरुआत होने वाली है गांव में रहने वाली एक ऐसी साधारण लड़की से जो कि एक स्टूडेंट होंगी और साथ ही साथ वही होंगी शेष वंश की सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी नागिन। और साथ ही साथ वो दुनिया को खतरनाक वायरस से बचाने के लिए आम इंसानों के बीच में रहने के लिए आई हैं, खतरनाक वायरस के बारे में स्टडी करने के लिए आई हैं। और साथ ही साथ ये वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, खतरनाक वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, खतरनाक वायरस को बनाने वाले दुश्मन लोग कौन हैं, इस बारे में स्टडी करने के लिए वो एक गांव में रहती है। इसके बाद आप सभी दर्शकों को दिखाया जाएगा पहले ही एपिसोड में वो प्रोफेसर से मिलती हैं, उस प्रोफेसर से मिलती हैं जो कि वायरस के बारे में स्टडी कर रहा होता है और साथ ही साथ तो उसी के अंडर में रहकर काम करती रहती हैं यहाँ पर गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की जो कि शेष नागिन है और साथ ही साथ उसके पास इच्छाधारी शक्तियाँ ऑलरेडी हैं जो कि हजार साल बाद जो है जन्मी हुई है इस पृथ्वी पर पूरी तरह से खतरनाक वायरस से बचाने के लिए लोगों को। अब यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि उसका सामना होगा सिम्भा नागपाल के कैरेक्टर ऋषभ से। जी हाँ, और साथ ही साथ ऋषभ से मिलने के बाद उसे पता चलेगा कि ऋषभ के परिवार वाले और खुद ऋषभ भी मिला हुआ है खतरनाक वायरस को बनाकर इस दुनिया में पूरी तरह से गंदी शक्तियों का पूरी तरह से राज करने के लिए। ऐसा लगेगा शेष वंश की इच्छाधारी नागिन को कि ऋषभ और ऋषभ के परिवार वाले जो है इन सब में उनका हाथ है, खतरनाक वायरस बनाने में भी उनका हाथ है और खतरनाक वायरस बनाने में और साथ ही साथ तो वो पूरी तरह से दुनिया में फैलाने में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। तो इसी वजह से सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यहां ऋषभ से शादी करके चली जाएगी उसके घर में। इसके बाद असली इंतकाम की शुरुआत होने वाली है और साथ ही साथ पूरे नाग लोक को बचाने के लिए, पूरे पृथ्वी लोक का संतुलन बनाए रखने के लिए एक नए कहानी की इस तरह से शुरुआत होगी। तो यह सब चीजें जो है आप सभी दर्शकों को दिखाया जाएगा। वेल, कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। कहानी को देखने के बाद आप सभी दर्शक कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप पहले एपिसोड को देखने के लिए, प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।